हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। टुडे आई हैव डिस्कस इन योर क्वेश्चन ऑफ लीनियर अलजेब्रा सीएसआईआर नेट मैथ 2023। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू गिवन दैट ए बेसिस u1 u2 u3 ऑफ R3 वेयर u1 इज इक्वल टू 100 एंड u2 इज इक्वल टू 110, u3 इज इक्वल टू 111। Let f1, f2, f3 be the dual basis of u1, u2, u3 and f be a linear functional defined by fabc is equal to a plus b plus c। यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है u1, u2, u3, ये क्या है, बेसिस है, बेसिस ऑफ R^3 वेयर u1 इज इक्वल टू 100 एंड u2 इज इक्वल टू 110 एंड u3 इज इक्वल टू 111। ओके, एंड लेट f1 f2 f3 बी दी ड्यूअल बेसिस ऑफ u1 u2 u3। अब बेसिस, अगर हमें ड्यूअल बेसिस गिवन है तो उसमें अपने पास एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है कि fiuj इज इक्वल टू 1 इफ आई इज इक्वल टू जे एंड 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे। ये आइडेंटिटी आपके पास इम्पोर्टेंट है, ओके, जो हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या गिवन है, एफ बी ए लीनियर फंक्शनल डिफाइंड बाय एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। एफ हमें क्या गिवन है, एफ क्या है, लीनियर फंक्शनल, ठीक है, और डिफाइंड कैसे है, एफ ओ ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इफ एफ इज इक्वल टू α1 f1 प्लस α2 f2 प्लस α3 f3, देन फाइंड α1 α2 α3। इसने कहा कि अगर हमें f ये गिवन है कि अगर f इज इक्वल टू किसके इक्वल है, α1 f1 प्लस α2 f2 प्लस α3 f3, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड α1 α2 α3, यानी कि हमें किसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, α1 α2 α3 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए, इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, एफ ऑफ u1 किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ u1 क्या है आपके पास, 1 0 एंड 0। अब फंक्शन कैसे डिफाइन है, फंक्शन कैसे डिफाइन है, एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ से क्या आएगा, 1 प्लस 0 प्लस 0। 1 यहाँ पे क्या है, ए, एंड 0 बी, यहाँ पे जो 0 है ये किसकी वैल्यू है, सी की। तो यहाँ से एफ ऑफ u1 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि α1 f1, ठीक है, α1 f1, तो मैं क्या इसको ये लिख सकती हूँ, α1 f1 u1 प्लस α2 f ऑफ u2 प्लस α3 f ऑफ u3। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, f1 u1, i इज इक्वल टू j, तो इसकी वैल्यू तो क्या होगी, 1 के इक्वल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, i की वैल्यू क्या है, 1, और j की वैल्यू क्या है, 2, तो यहाँ पे ये किसकी वैल्यू होगी, 0 के इक्वल। अब यहाँ पे सेम, f1 u3, i नॉट इक्वल टू j मीन्स 0, तो यहाँ से f ऑफ u1 किसके इक्वल आ गया, 1 इज इक्वल टू α1 dot 1 plus 0 plus 0, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल के आई, α1 is equal to 1, ठीक है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल के आ गई, α1 की, ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, α2 की। अब यहाँ पे देखिए,
f ऑफ यू टू, यू टू क्या गिवन है हमें, f ऑफ 110, 1 + 1 + 0 किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए f ऑफ यू टू, तो यहाँ से f वन यू वन किसके इक्वल आएगा, f वन यू टू किसके इक्वल आएगा, 0 के। f वन यू f1 अब यहाँ पे क्या आएगा बताइए, अल्फा f2 u2 किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। अब यहाँ से f3 u2 ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2, तो ये 1 की हम बात कर रहे हैं ना, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या आएगा, f1 u2 i नॉट इक्वल टू j मीन्स 0, और यहाँ से क्या आएगा f2 u2 i इज इक्वल टू j क्या होगी, 1, f3 u2 i नॉट इक्वल टू j मीन्स वैल्यू क्या आएगी, 0। तो यहाँ पे देखिए अब f ऑफ u2 किसके इक्वल आएगा, अल्फा 1 f1 u2 प्लस अल्फा 2 f2 u2 प्लस अल्फा 3 f3 u2 किसके इक्वल आ गया, f1 u2 किसके इक्वल है, अल्फा 1 इंटू 0 प्लस f2 u2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, अल्फा 2 इंटू 1 प्लस अल्फा 3 इंटू 0। f ऑफ u2 किसके इक्वल आया है, 2 के इक्वल, तो यहाँ से क्या आ गई, अल्फा 2 इज इक्वल टू 2। ओके, तो यहाँ से अल्फा 2 की वैल्यू आपके पास आ गई इज इक्वल टू 2। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे देखिए f ऑफ u3 इज इक्वल टू, u3 आपके पास क्या है, 1 + 1 + 1, तो यहाँ से क्या आ गया, 3। ठीक है, f ऑफ u3 किसके इक्वल आएगा, अल्फा 1 f1 u3 प्लस अल्फा 2 f2 u3 प्लस अल्फा 3 f3 u3। यहाँ पे क्या है, i नॉट इक्वल टू j मीन्स अल्फा 1 इंटू 0। यहाँ पे भी क्या है, i1 नॉट इक्वल टू j मीन्स अल्फा 2 इंटू 0 प्लस i इज इक्वल टू j मतलब अल्फा 3 इंटू 1। f ऑफ u3 किसके इक्वल आया है, 3 के इक्वल, तो यहाँ से क्या आ गया, अल्फा 3 इज इक्वल टू 3। तो आपके पास अल्फा 1 की वैल्यू क्या है, 1, अल्फा 2 की क्या है, 2, एंड अल्फा 3 की क्या है आपके पास, 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई, हमें क्या निकालना था, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, तो किसके इक्वल आ गया, 1, 2 एंड 3। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा का ही है, क्या है वो देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स विद आइगन वैल्यूज 1, -1 एंड 0। हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है, ए 3x3, ठीक है, और यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज हमें गिवन है, आइगन वैल्यू ऑफ ए इज 1, -1 एंड 0। ठीक है, हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1, लैम्डा 2 इज इक्वल टू -1 एंड
lambda 3 is equal to 0. Then the determinant of I 1 plus, यहाँ पे ये I ही है, identity matrix, I plus a raised to the power 100. हमें determinant find out करना है, किसका? Determinant of I plus a raised to the power 100. इसका हमें determinant find out करना, तो हम क्या करेंगे? पहले हम आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, किसकी? आई प्लस ए रेज टू द पावर 100 की. उसके बाद डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज. ठीक है, तो यहाँ पे आइगन वैल्यूज क्या आएंगी? आइगन वैल्यू ऑफ ए रेज टू द पावर 100 क्या होगी? आइगन वैल्यूज ऑफ ए रेज टू द पावर 100 की, ए की आइगन वैल्यूज क्या थी आपके पास? 1, माइनस 1 और 0. तो ए रेज टू द पावर 100 की क्या होगी? 1 रेज टू द पावर 100 माइनस 1 रेज टू द पावर 100 और 0 रेज टू द पावर 100. तो यहाँ से ये क्या आ गई? हम इसको डेल्टा 1 नाम दे देते हैं. डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1 और यहाँ से क्या आएगा? डेल्टा 2 इज इक्वल टू 1 एंड डेल्टा 3 इज इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ से आइगन वैल्यू आपके पास क्या आ गई? ए रेज टू द पावर 100 की 1, 1 एंड 0. नाउ द आइगन वैल्यू जो आई प्लस ए रेज टू द पावर 100 इसकी क्या होंगी? 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1 और 1 प्लस 0 यानी कि 2, 2 एंड 1. ये आपकी आइगन वैल्यूज हो गई आई प्लस ए रेज टू द पावर 100 की. उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ आई प्लस ए रेज टू द पावर 100. ठीक है, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ आई प्लस ए रेज टू द पावर 100 तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ आई प्लस ए रेज टू द पावर 100. ओके, तो यहाँ से देखिए, अब डिटरमिनेंट ऑफ आई प्लस ए रेज टू द पावर 100 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 2 × 1. तो यहाँ से क्या आ गया? 4. ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ आई प्लस ए रेज टू द पावर 100 क्या आ गया आपके पास? 4. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके पास क्या है? इफ वी एंड यू बी वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 4 एंड 6. यहाँ पे हमें क्या गिवन है? वी एंड यू बी दी वेक्टर स्पेस. ठीक है, V और U यहाँ पे हमें दो वेक्टर स्पेस गिवन है. V एंड U. ओके, एंड डायमेंशन ऑफ V क्या गिवन है? 4. एंड डायमेंशन ऑफ U क्या गिवन है? 6. देन डायमेंशन ऑफ होमोमोर्फिज्म V टू U, इसने जो होमोमोर्फिज्म जो डिफाइन की है कहाँ से कहाँ? V टू U जितनी भी हमारे पास होमोमोर्फिज्म है उसकी डायमेंशन क्या होगी? ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है,
कि अगर हमें ऐसे डायमेंशन फाइंड आउट करनी है फॉर ऑल होमोमोरफिज्म वी टू यू, तो क्या फार्मूला है इसका, डायमेंशन ऑफ होमोमोरफिज्म वी टू यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वी इंटू डायमेंशन ऑफ यू। अब डायमेंशन ऑफ वी क्या है आपके पास, डायमेंशन ऑफ वी क्या है 4 एंड डायमेंशन ऑफ यू क्या है आपके पास 6, तो क्या आ गया 24। देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।